दोनों के बीच में बात हो रहा था, इधर से बोली एकरा, पता हो हम आजकल ढेर रोवा ही है। ठीक है, तो यहाँ देख, इसके बाद ये पूछा कि काहे ला रोवा ही, तू काहे ला रोवा ही, तुम क्यों रोती हो। तो इससे क्या पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है काहे रोवा ही, तो उसको तुम क्यों रोती हो, व्हाई डू यू क्राई। अगर मान लीजिए कि इंटरोगेटिव में पूछा गया था किसी से क्या तुम घर जाते हो, तो वो सिर्फ बोल देता नहीं तो खत्म, लेकिन तुम घर क्यों नहीं जाते हो ये पूछ दिया, तब उसके पीछे कारण हमको बताना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं देखिए, बोलना। आज से हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस मतलब, इंडिफिनाइट का मतलब क्या होता है कि अनंत। ठीक है, अनंत मतलब जिसका कोई सीमा ना हो, कोई भी कार्य ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका कोई सीमा ना हो। जनरली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्या बताने के लिए, आदत बताने के लिए, हमारा आदत ये है, उसका कोई सीमा नहीं कितना देर तक रहेगा, शेड्यूल बताते हैं या फिर रूटीन बताने के लिए करते हैं इसका यूज। ठीक है, अब देखते हैं कि जो सेंटेंस जो होता है ना, वाक्य, जैसे कि क्या हुआ, वाक्य किसको बोलते हैं, मैं घर जाता हूँ, एक ये एक वाक्य हो गया। तीन तरह का हो सकता है, एक होता है अफर्मेटिव जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उसको बोल दे कि हम घर जाते हैं, मैं घर जाता हूँ, हम घर जा ही हो, ये हो गया अफर्मेटिव, सकारात्मक बात है। फिर दूसरा इसका नेगेटिव का हो सकता है कि मैं घर नहीं जाता हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वो हम घर नहीं जा ही हो, नेगेटिव सेंटेंस। और एक हो सकता है कि किसी से हम सवाल कर रहे हैं, क्या तुम खाना खाते हो, का तू खाना खा ही, ऐसा सवाल, तो वो हो गया इंटरोगेटिव, उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको हम अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे वो देखना है, किससे बदलना है हमको, या तो देहाती से बदलना है या फिर हिंदी से हमको अंग्रेजी में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है। ठीक है, हमारे सामने तो इसका रूल ये है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट में क्या होगा, देखिए हम लिख के रखे हैं तुम मैं, ये सब क्या हुआ, ये सब सब्जेक्ट हुआ, या फिर राजू भी एक सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का पहला पार्ट लिखते हैं, जैसे कि हम बताए थे कि वर्ब गो, वेंट और गोन। ठीक है, वर्ब है इसका, वर्ब वन है, वी टू है और वी थ्री, तो इसका इस्तेमाल हम ज्यादा करेंगे इसमें। ठीक है, इन लोग का इस्तेमाल उतना नहीं करेंगे, मेन एस या फिर ई एस, एस और ई एस जो है हमेशा लगाना नहीं है, कब लगा सकते हैं उसको, उसको लगाने के पीछे कारण का है, जब सब्जेक्टवा जो है ससुरा क्या रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा या और सिंगुलर रहेगा, थर्ड पर्सन भी रहेगा सिंगुलर मतलब अकेले रहेगा। और थर्ड पर्सन कहने का मतलब क्या हुआ कि हम और देखिए ये लड़का ये लड़की दोनों बात कर रहे थे, तो ये लोग ना दूसरा के बारे में पूछ दिया, केकरो बारे में ये पूछ दिया कि मोहनवा कहाँ रहता है, तो मोहनवा जो मोहन है, मोहन कहाँ रहता है, वो थर्ड पर्सन हो गया, तो उसके बारे में जब बात करेंगे तब हम क्या लगाएंगे, एस या फिर ई एस लगाएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ तक तो रूल तो ठीक है समझ आ गया, अब देखते हैं सवाल पे आते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से राजू बोला कि एगो लड़का था, एगो लड़का हलो ने गिर गेल हलो, कुइया में गिर गेलो, तो ये पूछेगी के गिर लेलो बताओ, तो ये बोला कि तुम तू ओकरा जाना ही, तो यहाँ पे बोल दिया कि तू ओकरा जाना ही, तुम उसे जानते हो, तो यू नो ही, इसका अंग्रेजी क्या हो गया, यू तुम का यू, जानना का नो और हिम, ठीक है, उससे तुम उसे जानती हो। तो फिर यहां से ये इसको इसको बोला कि तुम उसे जानते हो। ठीक है, इसको होश नहीं था, ठीक है, कौन गिरल था कुआं में, इसको होश नहीं था, इसके साथ एक राजू रहता था। ठीक है, तो इका बोली ओ हो, रजुआ के बात करे थे, वो तो हमरे जुड़े रहा हो, तो यहाँ देखिए राजू हमरा जुड़े रहा हो, ये कही, ठीक है, ये कही कि राजू हमरा जुड़े रहा हो, राजू मेरे साथ रहता है, राजू लिव्स विथ मी, राजू देखिए लिव है, लिव मतलब रहना, ठीक है, राजू एक सब्जेक्ट है और इसके साथ ये क्या है, थर्ड पर्सन है, राजू थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेरे साथ रहता है, लिव्स विथ मी, मी का मतलब मैं, मेरे साथ रहता है। फिर ई बोली ना, तू जाना है हम शायरी लिख रही हो,
एकरा बोली इसे तो फिर से बोला कि अच्छा काची में लिखेंगे बताओ तो डायरी में लिखेंगे कॉपी में, तो ये बोलती है फिर कि ना हम कॉपी में लिखा ही है, देखिए हम कॉपी में लिखा ही है, मतलब क्या शायरी कॉपी में लिखती है, इसी को कह मैं कॉपी में लिखती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई राइट ऑन कॉपी, अगला जो है नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है उसको अंग्रेजी में बदलने के लिए क्या रूल है, देखिए पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, बीच में इसमें क्या है डू और डज लगा देते हैं, उसके बाद फिर नोट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, तो बदला कुछ नहीं है, बस यही दो चीज जुड़ गया है, ठीक है इसमें से, और ई वो एस और ई एस हट गया वहां से, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, देखिए ये लोग बीच में बात हो रहा था, तो ये बोला इसको कि हम ढेरे दिन से बीमार ही से का करिया ठीक ना क्यों हुआ था, तो ये ना से बोली ना तो दवाई नहीं ले वह हैं, तो ये बोले कि तू दवाई नहीं ले वह हैं, बोले तुम दवाई नहीं लेते हो, इसको हिंदी में ऐसे बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यू डू नॉट टेक मेडिसिन, यू मतलब तुम, डू नॉट टेक लेते हो मेडिसिन दवाई, ठीक है। तो इधर से ये बोला कि दवाई हम ले वही है, इन्हें से बोली कि इन्हें बोल दवाई हम ले वही है, ठीक है। तो ये बोलती कि हट झूठ बोलवे करते हैं दवाई लेते तो ठीक नहीं हो जी पहले, ये बोला ना कि मैं हम झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई डू नोट, ठीक है, टेल मतलब बोलना अ लाई, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं हम झूठ नहीं बोल रही, तो फिर एक बात इसके बाद ये बोला ना अच्छा छोड़ो सब छोड़ बात सब छोड़ सुनने मिले आने, तो ये बोले कैसे ये मिले बताओ, तो ये बोला कि दरवाजा तोड़ के भाग के आओ ने, तो ये बोली कि ना हमारा डर लगा हो, ये बोल रहा है कि तू कोशिशें नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर है कि तुम कोशिश नहीं करती, ठीक है, यू डू नॉट ट्राई, इसका क्या हो जाएगा यू डू नॉट ट्राई, ठीक है। अब देखते हैं बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम सवाल पूछते हैं किसी से, क्या तुम खाते हो, क्या तुम रहते हो, कहीं जाते हो, क्या तुम कहीं जाते हो, ऐसे करके ये सब रहता है ना सवाल, ठीक है, जिसमें इंटरोगेटिव, इसमें क्या रहता है ये जो जितना भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, क्वेश्चन मार्क देखिए प्रश्न सूचक चीज इसको बोलते हैं, आप देखिएगा गाँव देहात में रहता धान काटने वाला जो रहता है ना हंसुआ, देखे है ना, तो हंसुए जैसा नकर साइन रहता है, देखिए ये हंसुआ है प्रश्न सूचक चिन्ह है। अब इसका नियम का है इसको अंग्रेजी में बदलने का, तो सबसे पहले हम डू डज हम पहले लगा दिए कर्म, डू डज पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का पहला पार्ट लगाना है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखते हैं कि हम इन लोग का बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, देखते हैं इन लोग के बीच में कितना बात हो रहा है, रूम में बंद करके रखा है बेचारा लोग, फोन में बतिया रहा है बढ़िया से। पहला सेंटेंस में तुम खेलती तू खेला ही है ना, ये का भी है ना, अगर पूछ दी, ठीक है, बतिया ही रहा था तो पूछ दी कि तू खेला है कि नहीं, तो यहाँ देखें तू खेला ही कि बोल रही है, ठीक है। इसी को अगर हिंदी में बोलते हैं तो बोलेंगे क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, डू यू प्ले, और इसके साथ क्या लगा देंगे प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसको हम हंसुआ जिसे बोलते हैं ना हंसुआ, इसी को बोलते हैं, इसे ऐसा ही दिखता है। तो डू यू खेलना का प्ले डू पहले लगा दिए, यू मतलब तुम, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, ये बोला कि ना नहीं खेलैया, हमारे को दोस्त हो ने अथी वहाँ रह रांची में रह पढ़ाव हुआ, तो ये पूछी ना इसको बोला कि वहाँ रहा पढ़ा वही, तो ये पूछ दी कि तू वहाँ रहा ही का, तो यहाँ भी देखिए तू वहाँ रहा ही कि, क्या तुम वहाँ रहते हो, डू यू लिव देयर, डू यू लिव देयर, और ये साइन लगाना बहुत जरूरी है, ये हंसुआ नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इसको इसी को अंग्रेजी में बदल दिए, क्या बोले डू यू लिव देयर, आगे देखें। अब इसके बाद ई बोलेगा कि ई पूछी कि डू यू मतलब का तू हुआ रहा ही डू यू लिव देयर, तो ये बोला कि
जा ही हो कभी कभी तो एक दो महीना रह ही हो, ठीक है। ये बोला कि एक दो महीना जाइए तो रह ही हो। ये बोली कि तू तोरा पढ़ावा हो कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए वो तोरा पढ़ावा हो कि, मतलब पूछ रहे पढ़ावा हो कि, मतलब क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डज, डज ही टीच यू क्वेश्चन मार्क। देखिए अगला जो है वो डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली को जोड़ देते हैं। इंटरोगेटिव में हम क्या किए थे कि यहां से स्टार्ट किए थे, इसमें एगो प्लस में इधर से जोड़ देते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, देखिए उसमें वाट रहता है, वाई, वेयर, विच, हुम, मतलब कुछ भी काम के बारे में हम पूछ रहे हैं, कुछ काम हो रहा है कि नहीं तो उसका कारण पूछते हैं, ठीक है। एक शब्द में जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इंटरोगेटिव में पूछा गया था किसी से क्या तुम घर जाते हो, तो वो सिर्फ बोल देता नहीं तो खत्म, लेकिन तुम घर क्यों नहीं जाते हो ये पूछ दिया, तब उसके पीछे कारण हमको बताना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं बोलना हो कि नहीं बोल देंगे तो उससे उसका जवाब नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये क्या हुआ कि इस दोनों के बीच में बात हो रहा था, इधर से बोली एकरा पता हो हम आजकल ढेर रो रही है, ठीक है। तो यहाँ देख इसके बाद ये पूछा कि काहे ला रो वही, तू काहे ला रो वही, तुम क्यों रोती हो, तो इसे क्या पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है काहे रो वही, तो उसको तुम क्यों रोती हो, वाई डू यू क्राई, क्यों का क्या वाई डू, यहाँ देखिए डू या डज, डू फिर लग गया आपका सब्जेक्ट यू फिर क्राई और इसके बाद यह क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या बोलती है, तोरा से मिले ला मन कर रहा, ठीक है। तो ये बोला ठीक हो तो मिले ला मन करो, तो बहाना बना के कहल नहीं आवे पा रहे एकरा। ये फिर इधर से बोला कि तू घरे मम्मी के बहाना बना के आओ, तो ये बोलती कि हम बहाना बनावा ही आओ, ठीक है। तो ये फिर बोला कि तो का कह, वह क्या कहती है, तब वह क्या कहती है, वॉट डज ही से, वॉट सॉरी ही नहीं, वॉट डज सी से, ठीक है। अगला है ये पूछा कि टैक, मतलब वो क्या कहती है, तो ये बोल रही है कि मम्मी बोलती है कि तुम कहाँ जाती है, तू कहाँ जाही, तो बोल रहा है कि तुम कहाँ जाती हो, वेयर, कहाँ का क्या हो गया वेयर, डू यू गो, इसका हो गया क्वेश्चन मार्क। तो हम सब सारा डिस्कस कर लिए हैं, अफर्मेटिव किए, नेगेटिव किए, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव किए, ये इतना सारा था इंडिफाइनाइट टेंस में। इसमें और बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, ये आप बना सकते हैं खुद से किताब में देख करके, ठीक है।